हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप फ्री फायर में किसी भी बंदे को यहाँ से इनवाइट करते हैं तो यहाँ पे इनवाइट नहीं होता है और आपको एक एरर शो होता है जिसमें लिखा होता है क्लैन ऑलरेडी एक्सिस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये एरर देखने के लिए मिलता है जब आप किसी बंदे को इन्वाइट करते हैं तो यहाँ पर आपको एरर देखने के लिए मिल जाता है अपनी स्क्रीन पर, उस पर लिखा हुआ होता है क्लैन ऑलरेडी एक्सिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो मुझे भी ये एरर देखने के लिए मिला था, तो मैंने अभी सॉल्व कर लिया है। तो मैंने किन किन तरीकों से सॉल्व किया है आज की इस वीडियो में आपको सभी तरीके बताने वाला हूँ। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन देख सकते हैं अपने फ्री फायर में। ऊपर यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगआउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। लॉगआउट करने के बाद सिंपली आपको रिसेंट में से अपने फ्री फायर एप्लीकेशन को हटा देना है। रिसेंट में से अपने फ्री फायर एप्लीकेशन को हटाने के बाद फिर से आपको अपने फ्री फायर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो जैसे आप फ्री फायर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देख लेते हैं, आपको इतना कर लेना है यहाँ पे, और फिर दूसरी ट्रिक में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे साइन इन विद फेसबुक पर कर देना है और यहाँ से लॉगिन कर लेना है अपना अकाउंट। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो सिंपली आपको करना क्या होगा। तो दोस्तों, दूसरी ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ऊपर फिर से सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे फिर से लॉग आउट कर देना है, ओके कर देना है और रिसेंट में से इस एप्लीकेशन को हटा देना है। तो यहाँ पे मैं रिसेंट में से फिर से ये एप्लीकेशन हटा देता हूँ। फ्री फायर को आपको रिसेंट में से हटा देना है। तो आपको रिसेंट में से एप्लीकेशन हटाने के बाद अब अपने मोबाइल की जो पावर बटन होती है उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके रख लेता हूँ। तो दोस्तों, प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, रिबूट और फेसबुक, या फेसबुक नहीं, रिबूट और पावर ऑफ। तो यहाँ पे आपको रिस्टार्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे पावर ऑफ और रिबूट या फिर पावर ऑफ और रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से आपको अपने फ्री फायर एप्लीकेशन को ओपन करना है और चेक करना है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। दोस्तों, अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट